हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट में अपना नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हमें बताना है क्लास लाइब्रेरी और रीडिंग कॉर्नर्स के बारे में। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लास लाइब्रेरी एंड रीडिंग कॉर्नर। क्लास लाइब्रेरी और रीडिंग कॉर्नर के बारे में हमें क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, क्लास लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो क्लास लाइब्रेरी क्या होते हैं, एक तो क्या होती है, स्कूल में मेन लाइब्रेरी होती है ना। आपको आप देखते होंगे सभी स्कूलों में या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखते होंगे, एक बड़ी सी लाइब्रेरी होता है, एक पूरा रूम होता है या एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया जाता है जहाँ क्या बहुत सारी बुक्स रखी होती है। लेकिन उसके अलावा एक और लाइब्रेरी होती है जो कहाँ होती है, हमारी क्लास में होती है। आप देखते होंगे क्लास में एक कभी कभी एक या दो अलमारी लगा दी जाती है जिसमें क्या होती है, सब्जेक्ट्स की बुक रखी होती है, तो वो क्या होगी, क्लास लाइब्रेरी होगी। ठीक है, जो हमारी मेन लाइब्रेरी है उसमें क्या, लाइब्रेरियन को नियुक्त किया जाता है, एक स्पेशल व्यक्ति रखा जाता है जो लाइब्रेरी की देखभाल करता है, बुक्स देता है कि स्टूडेंट ने ली फिर वापस नहीं की, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति देखता है। जबकि क्लास लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं है, क्लास लाइब्रेरी जो होती है एक क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर के कंट्रोल में होती है, तो उसका सारा देख रहे कि किस बच्चे को कौन सी बुक देनी है नहीं देनी है, ये सब जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है, हमारा जो क्लास टीचर होगा या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज़, माना साइंस की लाइब्रेरी है उसमें हमारे क्लास में, तो उसकी जो देख रेख करेगा वो कौन करेगा, हमारा साइंस टीचर करेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्लास लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को स्पेशल नाम क्यों दिया। कई बार लोग बच्चे सोचते हैं कि लाइब्रेरी, अच्छा मेन लाइब्रेरी को ही दिमाग में रख के आगे बढ़ते हैं ना, बट ये मेन लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे स्कूलों में अलग से होती है, बल्कि ये क्लास लाइब्रेरी मैंने जो क्लास में बुक्स रखी रहती है उनके बारे में बात कर रहा है। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अपने आगे। अगर पहले हम क्लास लाइब्रेरी देख लें तो क्लास लाइब्रेरी मतलब टू डेवलप द रीडिंग हैबिट क्लास लाइब्रेरी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। क्लास लाइब्रेरी मतलब पढ़ना है कि पढ़ने से क्या होगा, रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, तो इसलिए जो क्लास लाइब्रेरी है वो बच्चे की रीडिंग हैबिट को डेवलप करने में क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वेयर विजिट टू द मेन लाइब्रेरी कैन नॉट बी इफेक्टिवली अरेंज्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट। वेयर जब हम क्या होते हैं, विजिट करते हैं मेन लाइब्रेरी में, कैन नॉट बी इफेक्टिवली, वो बहुत अच्छे से अरेंज नहीं होती हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के लिए वो अच्छे से अरेंज नहीं होते। माना कोई स्टूडेंट है, वो गया, उसे मैथ्स की बुक चाहिए, बट उसे मैथ्स की बुक वहाँ मिल नहीं रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ ढंग से अरेंज नहीं हो रही। कुछ आपने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट फट से जाके बुक ढूंढ लेते हैं लेकिन सभी स्टूडेंट नहीं ढूंढ पाते हैं, तो मतलब जो मेन लाइब्रेरी थी वो सभी स्टूडेंट के लिए अच्छे से अरेंज नहीं की गई होती है। कई बार क्या होता है, बुक इधर से उधर हो जाती है तो ढूंढने में क्या होती है, दिक्कत होती है। कई बार प्रॉपर से नेम स्लिप नहीं लगी होती कि कहाँ पर मैथ्स की बुक है, कहीं पर कहाँ पर साइंस की बुक है, कहाँ पर अदर्स बुक्स है ना, तो इसलिए वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है स्टूडेंट को, कहाँ, मेन लाइब्रेरी में। इसीलिए क्या है, क्लास लाइब्रेरी बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास लाइब्रेरी में बी फॉर्म अंडर द चार्ज ऑफ क्लास टीचर और द सब्जेक्ट टीचर। जो क्लास लाइब्रेरी होती है उसको फॉर्म्ड किया जाता है, बनाया जाता है अंडर द चार्ज ऑफ क्लास टीचर। क्लास टीचर उसका चार्ज होता है या क्या, सब्जेक्ट टीचर उसका क्या होता है, चार्ज। जो हमारी मेन लाइब्रेरी है उसका लाइब्रेरियन चार्ज, उसका सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, लाइब्रेरियन के हाथ में, बट क्लास लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस इट शुड बी इंश्योर दैट, इस पर्पस के लिए कि क्लास लाइब्रेरी बच्चों के रीडिंग हैबिट को बढ़ाए, इस पर्पस के लिए ये जरूरी हो जाता है, शुड बी इंश्योर, ये पक्का कर लेना चाहिए कि अ लार्ज वेराइटी ऑफ बुक इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। जो बच्चे हैं उनको लार्ज वेराइटी ऑफ बुक प्रोवाइड, लार्ज वेराइटी मतलब अलग अलग प्रकार की बुक्स प्रोवाइड कर दी जाए बच्चों को, क्यों, टू मेक द फ्री सिलेक्शन ऑफ द बुक, ताकि वो फ्रीली होके अपनी पसंद की बुकों को सिलेक्ट कर। अगर लिमिटेड बुक होंगे तो बच्चे क्या होंगे, मजबूर होंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो अपनी पसंद की बुक्स क्या कर सकें, सिलेक्ट कर सकें। बट अगर लार्ज वैरायटी में है, अलग अलग टाइप्स की बुक है, अलग अलग राइटर्स की बुक है, अलग अलग टाइटल्स की बुक है, तो बच्चे
के पास ये ऑप्शन हो जाता है कि वो अपने पसंद की बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए ये इंश्योर कर लेना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए कि लार्ज वैरायटी की बुक हो हमारे क्लास लाइब्रेरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितनी लार्ज होनी चाहिए ये भी बताया गया, फॉर द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। अगर किसी क्लास में 40 स्टूडेंट, तो एटलीस्ट 150 बुक्स शुड बी प्रोवाइडेड इन द क्लास। तो कम से कम उस क्लास लाइब्रेरी में 150 बुक्स होनी चाहिए। अगर 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है किसी क्लास में, तो कम से कम 150 किताबें वहाँ होनी चाहिए, ताकि एक बच्चे कम से कम क्या उसे 2 या 3 ऑप्शन मिल जाए किताब को सिलेक्ट करने में कि वो कौन सी किताब को पढ़ना चाहता है ना। आप समझ रहे होंगे आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि टू हैव द ऑल डिफरेंट टाइटल्स, कि जितनी बुक्स वहाँ रखी गई वो सब अलग अलग टाइटल्स की होनी चाहिए या सेम टाइटल्स की। ये मतलब ये बोला गया कि रखनी चाहिए अलग अलग वैरायटी की बुक, लेकिन ये नेसेसरी नहीं किया गया कि नहीं आपको रखनी ही पड़ेगी इस तरह की अलग अलग टाइटल्स की ही बुक हो या सभी बुक एक टाइटल की, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं किया गया। ठीक है, इन द क्लास लाइब्रेरी देयर मे बी 10 to 50 कॉपीज ऑफ द ईच बुक। अच्छा ये होगा कि अगर एक बुक की 10 to 50 कॉपी रखा जाए तो वो बेहतर होगा कि क्लास लाइब्रेरी के लिए, स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, द बुक्स शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इन बुकों को कैसे अरेंज करना चाहिए, इनको क्लास लाइब्रेरी में अरेंज करने का जो तरीका होना चाहिए वो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। माना किसी क्लास में बच्चों को साइंस की बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैथ्स की बुक्स के अकॉर्डिंग, तो कोशिश करनी चाहिए कि साइंस की बुक वहाँ रखी जाए जहाँ पे बच्चा इजीली पहुँच जाता है, यानी कि उसके जो आई कांटेक्ट है उसके लेबल पे, आई के लेबल पे रखा जाए, है ना। जो जिन बुक्स की बहुत कम ज़रूरत होती है उनके नीचे वाले सेल में रखा जा सकता है, या जहाँ बच्चे इजीली नहीं पहुँच पाते उन सेल्स में रखा जा सकता है। तो इस तरह से कि क्लास लाइब्रेरी को जो अरेंज करना चाहिए वो किसके बेस पे करना चाहिए, बच्चों की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है क्लास लाइब्रेरी, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लास लाइब्रेरी। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि क्लास लाइब्रेरी इज़ हेल्पफुल टू डेवलप रीडिंग हैबिट अमंग द स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों की रीडिंग हैबिट को डेवलप करने में क्लास लाइब्रेरी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या वो बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत मदद करती है। ठीक है, इफ़ अ स्टूडेंट डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग, यदि एक स्टूडेंट में रीडिंग की हैबिट डेवलप हो जाती है, उसे पढ़ने की आदत लग जाती, तो ही विल कंटिन्यू टू लर्न एंड गेन नॉलेज थ्रू आउट द लाइफ। यदि एक बच्चे में क्या है पढ़ने की आदत लगी, तो वो जिंदगी भर कंटिन्यू क्या करता है, सीखता रहता है और नए नए नॉलेज को क्या करता है, गेन करता रहता है, प्राप्त करता रहता है अपनी पूरी ज़िंदगी भर, जब एक बार उसको आदत लग जाए पढ़ने की। और ये सच में होता है, अगर किसी इंसान को पढ़ने की आदत है तो बिना पढ़े नहीं रह सकता, उसको मज़ा सिर्फ पढ़ने में ही आता है ना। अगर एक बार बच्चे को स्कूल लेवल में पढ़ने की आदत नहीं लगे, तो उसे वो सिर्फ पढ़ता है परीक्षा पास करने के लिए, और उसका कोई मोटिव नहीं होता उन बुकों से, है ना। यही फ़र्क होता है। तो इसीलिए लाइब्रेरी, जो क्लास लाइब्रेरी हो गया, आपकी कॉर्नर लाइब्रेरी होगी, आपकी रीडिंग क्लब्स हो गए, ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि बच्चों में क्या रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाए। एक बार रीडिंग हैबिट डेवलप होगी तो फिर क्या है, पूरी ज़िंदगी भर उनको बार बार बोलना नहीं पड़ता, उनको बार बार कहना नहीं पड़ता किसी नॉलेज को लेने के लिए, किसी नई चीज़ को सीखने के लिए, वो अपने से ही प्रेरित रहते हैं या मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्लास लाइब्रेरी स्टिमुलेट्स चिल्ड्रन टू रीड। क्लास लाइब्रेरी क्या करती है, बच्चों को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट मतलब प्रेरित करते हैं या उत्तेजित करते हैं, किसके लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए उत्तेजित करते हैं। इट अरोज स्टूडेंट विल टू रीड, ये बच्चों में ऐसी भावना पैदा करती है कि वो पढ़ें, पढ़ने के लिए, पढ़ने की भावना मतलब उनमें पैदा करती है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन अरोजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन रीडिंग। ये मदद करती है अरोजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने में ये क्या मदद करती है। ठीक है, अरोज मतलब पैदा करने में, क्या पैदा करने में, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा करने में बच्चों की मदद करती है, कौन, क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द क्लास लाइब्रेरी इन डेवलपिंग ऑफ रीडिंग स्किल। इन दिस वे, इस प्रकार से वी कैन से, हम कह सकते हैं कि देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि डेवलपिंग ऑफ द रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए।
अगला हमें पूछा गया था क्लास लाइब्रेरी एंड रीडिंग कॉर्नर। तो अब हम जान लेते हैं रीडिंग कॉर्नर क्या होता है। रीडिंग कॉर्नर मतलब समझ रहे, आप जैसे घर में रहते तो हम एक किनारे पे, एक अलमारी में या किसी शेल में हम क्या करते हैं, अपनी बुक्स को रख देते हैं। तो वो अपनी बुक्स को एक किनारे, एक सेल में, एक अलमारी में, जहाँ पे भी हम रखते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारे कमरे के कॉर्नर में होता है, तो वही हमारा रीडिंग कॉर्नर हो गया। इसी तरह हम क्लास में बना सकते हैं, अपने बेडरूम में बना सकते हैं, है ना, काफ़ी लोग अपने लिविंग रूम्स में बनाते हैं। तो क्लास लाइब्रेरी, क्लास कॉर्नर हो गया। क्लास कॉर्नर भी मतलब इसका भी एक मोटिव यह होता है कि रीडिंग के लिए बच्चों को क्या करना, स्टिमुलेट करना, ठीक है। अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो क्लास, अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं, मेनली हमें जो अच्छी लाइब्रेरी मिलती है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे मिलती है या कॉलेज में मिलती है। क्लास लाइब्रेरी हमें जनरली स्कूल में मिल जाती है ना, 6 to 12 तक की जो स्कूल होते हैं वहाँ क्लास लाइब्रेरी हमें ईजिली मिल जाता है। रीडिंग कॉर्नर जो हमें मिलता है जनरली प्राइमरी लेवल पे जो हमें मिलता है वो रीडिंग कॉर्नर मिलता है। मतलब किसी एक जगह पे हमें बुक्स क्या करी जाती है, कलेक्ट की जाती है स्टूडेंट के लिए, तो उसी को हम क्या कर देते हैं, रीडिंग कॉर्नर कहते हैं। और रीडिंग कॉर्नर इज़ अ फर्स्ट बेसिक लाइब्रेरी, ये क्या फर्स्ट बेसिक लाइब्रेरी होती है, कहाँ होती है, इन द विलेज प्राइमरी स्कूल, गाँव के जो प्राइमरी स्कूल में होते हैं, सबसे बेसिक लाइब्रेरी जो शुरू होती है वो क्या हमारे रीडिंग कॉर्नर ही है, ठीक है। विच हैज़ नो एसेस टू लाइब्रेरी और अ बुक शॉप, जहाँ कोई लाइब्रेरी या कोई बुक शॉप असिस्ट नहीं करे जा रही, नहीं कोई, ना तो कोई बुक शॉप है ना कोई लाइब्रेरी है, उन जगहों पे जो है रीडिंग कॉर्नर को स्टेबलाइज किया जाता है। जनरली कहाँ होता है, प्राइमरी लेवल में होता है, ठीक है। द रीडिंग कॉर्नर हैज़ अ सेलेक्शन ऑफ द एज अप्रोप्रिएट, रीडिंग कॉर्नर जब सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें बच्चों की एज को ध्यान में रखा जाता है, अट्रैक्टिव बुक्स रखी जाए, क्योंकि छोटे बच्चों क्या होता है, अगर उनको सिंपल लिखी हुई बुक है, चाहे बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट उसके अंदर, बच्चे उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर वो रंग बिरंगी, बहुत कलर्स का यूज़ किया गया है, बहुत मतलब फीचर उसमें डाले गए हैं, डायग्राम्स डाले गए हैं, क्या बोलते हैं, चित्र डाले गए हैं ना, पिक्चर्स डाले गए हैं, तो बच्चे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो हमें अट्रैक्टिव बुक बच्चों के लिए उसमें सेलेक्ट करनी होती है। केयरफुली सेलेक्ट टू इनिशिएट चाइल्ड इनटू द Enjoying book, हमें carefully ये initiate शुरुआत करनी होती है कि बच्चों के लिए क्या enjoyable books की जाए। बेसिक लेवल पे बच्चों के लिए हम ऐसी बुक का सिलेक्शन करते हैं जो उन्हें मज़ा दे, जिसे पढ़ने में बच्चों को मज़ा हो, जिसे पलटने में ही बच्चों को मज़ा आ जाए, हम ऐसे बुकों को सिलेक्ट कर। अब उन्हें पलटने में, देखने में रंग बिरंगी लगी, बहुत सारे पिक्चर्स में देखेंगे तो बच्चे के अट्रैक्टिव होते हैं उसमें, और धीरे धीरे बच्चों में क्या तो रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द रीडिंग कॉर्नर इज़ द रूलर चाइल्ड विंडो टू द वर्ल्ड। जो रीडिंग कॉर्नर होता है, रूलर चाइल्ड गांव के बच्चों के लिए जो रीडिंग कॉर्नर होता है, विंडो टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड की खिड़की होती है, मतलब वो उसके थ्रू एक ऐसी खिड़की है जिसके द्वारा वो पूरी दुनिया को देख सकते हैं, मतलब ऐसी बुक्स उनको मिलते हैं जिसके बारे में वो दुनिया को, क्योंकि एक छोटे से गाँव में वो लोग रहते होंगे तो उनको इतना ज़्यादा एक्सपोज करने का मौका नहीं मिलता, जैसे अगर शहरों में बच्चे रह रहे हैं तो मोस्टली जो बच्चे शहरों में बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी होती है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले उन्हें बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं, उनका टूर जाते हैं, पेरेंट्स उनको नई नई जगह पर ले जाते हैं, है ना, तो वो क्या है, दुनिया को एक क्या बोल सकते हैं, एक रियल वे में भी जानने को उन्हें मौका मिलता रहता है। लेकिन विलेज के बच्चों के लिए इतना ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उनके लिए रीडिंग कॉर्नर मतलब एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, जिससे पूरी दुनिया को जान पाते हैं, ठीक है। वाइडिंग द मेंटल होरिजन, और रीडिंग कॉर्नर से क्या, उनका जो मेंटल होरिजन, जो मेंटल क्षेत्र है, जो दिमाग का जो एरिया है, उसको वाइडिंग करने के, मतलब यानी कि बोलने का मतलब ये है कि उनको जो बौद्धिक क्षमता उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं ना, वाइडिंग मतलब चौड़ा होता है, मेंटल होरिजन मतलब दिमाग का जो क्षेत्र, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो उनका जो मेंटल लेवल उसको बढ़ाने में हमारी जो रीडिंग कॉर्नर है वो क्या करती है, हेल्प करती है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी व्यूज़ हैं वो ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। फिर अपना मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।